नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। अयोध्या जनपद के सरकारी और गैर सरकारी जगहों में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। जनवरी 2022 को देश में अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। कोरोना की तीसरी लहर के बीच इस बार के समारोह में कई नई चीजें पहली बार की जा रही हैं, जैसे कि इस बार के गणतंत्र दिवस पर देश में पहली बार नए राजपथ पर परेड का आयोजन किया गया। इस बार परेड आधे घंटे की देरी से शुरू हुआ और इस बार के समारोह में अवॉइड बिदमी की धुन नहीं बजी। जनपद अयोध्या के कोतवाली बीकापुर और चौकी मोतीगंज में ध्वजारोहण किया गया। सभी में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। कोविड-19 वजह से इस बार सादे समारोह में गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया। कहीं भीड़ नहीं जुटाई गई। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी ने गणतंत्र दिवस की बधाई दी। वहीं पर कोतवाली बीकापुर के प्रभारी मणिशंकर तिवारी पूरी पुलिस टीम के साथ ध्वजारोहण किया तो मोतीगंज चौकी प्रभारी शैलेश कुमार त्रिवेदी ने कांस्टेबल मोहम्मद आवे सुजीत कुमार और होमगार्ड राजेंद्र मिश्रा पीआरडी जवान रामबालक यादव और अन्य गणमान्य के साथ ध्वजारोहण किया और बताया गया कि 26 जनवरी को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। देश के संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। वैसे तो 26 नवम्बर को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे लागू किया गया 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी को। इसलिए 26 जनवरी का खास महत्व है। लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता वीके यादव की रिपोर्ट।